वेलकम टू नॉलेज एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए बड़े ही मनमोहक लगते हैं। लेकिन जब वो ही मुस्कुराते, हंसते खेलते बच्चे बीमार हो जाते हैं तो पूरे परिवार में एक उदासी सी छा जाती है। दोस्तों, अब मौसम बदल गया है, सर्दियां अपने पूरे चरम पर हैं। बाहर हर तरफ सर्दी ने सभी को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा जो सर्दी का असर होता है वो बच्चों पर होता है, खासकर शिशु से लेकर 5 साल के बच्चे इस सर्दी के मौसम में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में हम कैसे उनका ख्याल रखें, इसी बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। बच्चों की केयर करते समय उनकी डाइट चार्ट बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी से बच्चों का विकास जुड़ा होता है। बढ़ती उम्र के बच्चों को हर तरह के विटामिन मिले, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों के लिए डाइट चार्ट कैसे बनाएं, 1 से 5 साल के बच्चों को खाने में क्या दें, जाड़ों के मौसम में बच्चों को क्या खिलाएं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, इससे उन पर दूसरे वायरस का असर भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों की डाइट चार्ट का अगला सेगमेंट। नंबर 3, रोजाना 2 अंडे। ठंड के दिनों में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे शरीर को अंदर से गर्माहट मिले, इसलिए अंडा एक बेहतरीन विकल्प है। इससे आप बच्चों को उबालकर या आमलेट बनाकर दे सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए रोजाना 1 अंडे का सेवन करने से बच्चा ठंड से बचा रहेगा। हालांकि छोटे बच्चे के लिए आधा अंडा ही काफी होता है। अंडे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को पोषण मिलता है, इससे दूसरी शारीरिक दिक्कतें भी दूर होती हैं, इससे बच्चों के विकास में भी मदद मिलती है। इसे खाने से बाल और स्किन अच्छी होती है। नंबर 4, स्टीम ब्रोकली। गोभी जैसी दिखने वाली हरे रंग की सब्जी सेहत का खजाना होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए यह बहुत सेहतमंद है। बच्चों को हल्की स्टीम की हुई ब्रोकली खाने में देनी चाहिए। नंबर 5, वेजिटेबल सूप। ठंड के मौसम में तरह तरह की सब्जियां आती हैं। बच्चों को टमाटर, गाजर, पालक आदि मिलाकर मिक्स वेज सूप पिलाना चाहिए। इसमें काली मिर्च, अदरक और लहसुन आदि डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ ही यह शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। सूप पीने से श्वास नली में होने वाली ब्लॉकेज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसे गर्म पीने से बॉडी को ताजगी मिलती है। इससे पानी की कमी भी पूरी होती है। नंबर 6, बादाम का हलवा। देसी घी में बना हलवा न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है, बल्कि इससे शरीर को ताकत भी मिलती है। इसलिए सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में एक बार बादाम या गाजर का हलवा जरूर खिलाना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन ए, ई और प्रोटीन समेत अन्य पोषक तत्व शरीर को ताकतवर बनाते हैं। इसे एक कंप्लीट मील माना जाता है, इसलिए बच्चों को यह सुबह नाश्ते या दोपहर को खाने में दिया जा सकता है। हलवे में मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल करने से बचें, इसकी जगह आप गुड़ या शहद का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।